हाय डियर स्टूडेंट, दिस इज़ वासिफ गेस्ट फैकल्टी अलापुर पॉलीटेक्निक। और आज के इस इरिगेशन के वीडियो ट्यूटोरियल में हम बात करेंगे जो हमने पिछली लेक्चर में एक्वीफर्स के बारे में बात की थी। तो उसमें हमने कन्फाइंड और अनकन्फाइंड के बारे में हमने डिस्कस कर लिया था। तो उसमें एक जो रह गया था हमारा पर्च्ड एक्वीफर, उसको देखते हैं उसकी डेफिनेशन के बारे में। पर्च्ड एक्वीफर तो बेसिकली ये मान लिया कोई ग्राउंड लेवल है हमारा GL, और ये कोई इम्परवियस लेयर है। ये हमने मान लिया कोई इम्परवियस लेयर हमारी। इम्परवियस लेयर क्या होती है? जिससे वाटर परकुलेट नहीं हो पाता है, इम्परवियस लेयर। और ये कोई क्या है? ये ग्राउंड वाटर लेवल है हमारा, ग्राउंड वाटर लेवल। तो ये हमारा क्या होगा? इम्परवियस के ऊपर अनकन्फाइंड एक्वीफर, अनकन्फाइंड। क्योंकि आप जानते हैं कि अनकन्फाइंड एक्वीफर वो जो क्लाइमेट के साथ इन्फ्लुएंस होता है, तो जो ग्राउंड लेवल के जस्ट नीचे की जो लेयर होती है उसके अंदर जो पानी होता है वो अनकन्फाइंड एक्वीफर होता है। क्योंकि यही वो है जो क्लाइमेट से इन्फ्लुएंस होगा। और इसके ऊपर जो लेवल है, ये हमारा सॉइल है, इसको बोलते हैं जोन ऑफ एरेशन, जोन ऑफ एरेशन। समटाइम्स ये होता है कि ये मान लिया कोई इस जोन के बीच में इम्परवियस लेयर, कोई इम्परवियस लेयर है, ये कोई इस तरीके से इसने शेप ले रखी है। तो जब क्या होता है, अगर ग्राउंड लेवल से पानी परकुलेट करता हुआ वाटर इस तरीके से इसके अंदर आता है और क्या करता है, इसके जो सॉइल के पोर्स हैं, पार्टिकल्स हैं, इनके बीच में ट्रैप्ड हो जाता है। अगर जब होता ऐसा होता है कि ये जो इम्परवियस लेयर है इसके ऊपर जो पानी ट्रैप हो जाता है पार्टिकल्स उसके पोर्स के बीच में, तो इसको क्या बोलते हैं? पर्च्ड एक्वीफर बोलते हैं इसको। ओके, होप समझ में आ गया आपके। अब नेक्स्ट टॉपिक में बात करते हैं। इसके बाद हमने क्या था, यील्ड ऑफ वेल, यील्ड ऑफ वेल का जो हमने डेरिवेशन किया था उस पे बेस कुछ न्यूमेरिकल है। जैसे ये 2017 में आया हुआ एक न्यूमेरिकल है, इसको लगाते हैं। तो क्या बोल रहा है कि एक नलकूप जिसका डायमीटर व्यास 50 सेंटीमीटर है, अपरिरुद्ध जलधारी परत 18 मीटर दी हुई है, सेंटीमीटर नहीं मीटर है। इम्परवियस लेयर की थिकनेस कितनी है? इम्परवियस लेयर की थिकनेस है 18 मीटर। और नलकूप में पानी निकालने पर पानी की गहराई 10 मीटर रह जाती है। ओके, मृदा की पारगम्यता 25 मीटर पर डे, जो परकुलेट पानी होकर जा सकता है वो इस स्पीड से जा सकता है, वेलोसिटी से। नलकूप की प्रवाह त्रिज्या ये जो कितनी है? 300 मीटर। नल की पानी देने की क्षमता ज्ञात कीजिए। इससे पहले ये नलकूप की प्रवाह त्रिज्या, ये जो टर्म है इसके पहले में इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। बेसिकली होता ये कि आपको पता है कि जो वेल का जो लेवल है और आसपास का लेवल, इसी के साथ इन्फ्लुएंस होता है। अगर ये अप डाउन होता है तो ये भी डाउन धीरे धीरे जाता है, लेकिन एक पॉइंट ऐसा आता है ग्राउंड वाटर जहाँ पे स्टेबल होता है। ठीक है, मान लिया ये वो पॉइंट है जहाँ पे क्या है, वाटर टेबल इसका, ये स्टेबल ग्राउंड वाटर लेवल है और इधर ये है। तो अब इन दो पॉइंट को बना के जो अगर हम सर्कल बनाएं तो इसके बोलते हैं सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस्ड। ठीक है, और जो इसकी इस सर्किल की जो त्रिज्या होगी इसको बोलते हैं प्रवाह त्रिज्या।
या प्रभावी त्रिज्या। ठीक है, तो सारी कैपिटल एच हमारा जो थिकनेस है वो दी हुई है 18 मीटर, और जो कोफिशिएंट ऑफ पोरोसिटी है, परकुलेशन का जो कोफिशिएंट है वो 25 मीटर पर डे पारगम्यता गुणांक, और स्मॉल एच हमारा जो कुएं में वाटर टेबल है वो 10 मीटर है, यहाँ से लेके ये 10 मीटर दिया हुआ। और हमारी इफेक्टिव रेडियस क्या है, मतलब इफेक्टिव रेडियस यहाँ से यहाँ तक 300 मीटर, और हमारी जो वेल की रेडियस दी है, वेल की बेसिकली डायमीटर दी है, तो उसको हमने रेडियस में 25 सेंटीमीटर हो जाएगा। सेंटीमीटर में क्या करना है, सेम उसमें लेके आना है, मीटर में चेंज कर देंगे, 100 से डिवाइड कर दिया, 0.25 मीटर। और हमने जो ड्राइव किया था फॉर्मूला यील्ड ऑफ वेल का, बेसिकली यील्ड ऑफ टू वेल पूछ रहा है क्षमता, वही q = πkH²H²-h² डिवाइड बाई log10 और R डिवाइड बाई r। तो सारी वैल्यू पुट कर देते हैं, q हमें निकालना है, पाई 3.14 रख देना, और जो पारगम्यता गुणांक है ये 25 H 18 square h 10 square log 10 R 300 meter और r 0.25। जब कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा, ये आया 5861 m³ पर डे, मतलब ये जो वेल है इतना m³ पानी एक दिन में दे सकता है। लीटर पर सेकंड में बनाने के लिए m³ को 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया, और जो सेकंड में बनाने के लिए 25 hours और 60 मिनट्स और 60 सेकंड, तो क्या हो गया लीटर पर सेकंड। तो लीटर पर सेकंड में कितनी वैल्यू होगी, 67.83 लीटर पर सेकंड, ये इसकी ईल्ड आ गई, पानी देने की क्षमता। ठीक है, इसी तरीके से ये भी एक क्वेश्चन है, एक नलकूप का व्यास 20 सेंटीमीटर है, इसको आप खुद से लगा लेना। मृदा का मैं आप क्वेश्चन दिखा दे रहा हूँ कौन सा है, जो रिसन वेग दिया है ये बेसिकली वही है जो के की जो वैल्यू है, रिसन वेग कितना दिया है 18 मीटर पर डे, और अपारगम्यता के ऊपर स्थिर भौम जल, मतलब जो इम्परवियस लेयर है इसके ऊपर जो लेवल है हमारा वो कितना दिया हुआ है 50 भौम जल H1 तल की पानी निकालने से पूर्व 50 मीटर ऊंचाई तथा पानी निकालते समय अपारगम्यता परत के ऊपर कूप पर पानी की ऊंचाई, मतलब स्मॉल एच 45 मीटर, नलकूप के प्रभावी क्षेत्र की एक्चुअली ये क्या है की त्रिज्या नहीं लिखा है, प्रभावी क्षेत्र की त्रिज्या कितनी 400 मीटर और कुएं की पानी देने की क्षमता ज्ञात करनी है। सेम वही क्वेश्चन है, कैपिटल एच दिया है, स्मॉल एच दिया है, कैपिटल आर दिया है, और इस जो वेल दिया है तो यहाँ से हम क्या करेंगे स्मॉल आर निकाल लेंगे, और सेंटीमीटर में दिया है तो वही मीटर में चेंज कर लेंगे, फिर फार्मूला सीधे सीधे पुट कर देंगे। तो आज के लेक्चर में इतना ही, और नेक्स्ट लेक्चर में हम अगले टॉपिक को कवर करेंगे। थैंक यू।